अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो है मैं आया हुआ हूँ बोर्ड बेसन यहाँ नाश्ता करने, और जो है मैं बोर्ड बेसन की जो रेस्टोरेंट है खैबर शिनवारी वहाँ जो है मैं नाश्ता करने आया हुआ हूँ। तो इनके बाद जो है मैं देखा बड़ा अच्छा यहाँ रश लगा हुआ है और लोग अच्छे खासे आ रहे हैं, फैमिली वगैरह आ रही है। मैंने कहा भाई इनका फिर नाश्ता जो है अच्छा होगा जब भी लोग आ रहे हैं, तो आज फिर मैं यहाँ खैबर शिनवारी आके इनका जो है अपना नाश्ता ट्राई करूँगा। और इसके अलावा यहाँ पर और भी रेस्टोरेंट वगैरह हैं, वहाँ पर भी अच्छा खासा रश लगा हुआ है लोगों का। एक तो यहाँ आप देखें पार्किंग यहाँ ऐसी भरी हुई थी कि जो है यहाँ मतलब हमको पार्किंग हमको ढूंढने में थोड़ा टाइम लग गया था क्योंकि गाड़ियाँ इतनी आई हुई थी, लेकिन अब लोग भी इतने आए हुए हैं यहाँ पे। तो अब जो है यहाँ अंदर की तरफ चलते हैं रेस्टोरेंट में और देखते हैं कि जो है क्या है नाश्ते में। आए चलें। अच्छा भाई यहाँ पे जो है देखें यहाँ हलवा पूड़ी बन रही है और जो है यहाँ पराठे वगैरह बन रहे हैं, तो आइए ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या नाम है आपका? रहमान। अच्छा तो भाई अभी आप क्या बना रहे हैं यहाँ पे? ये हलवा पूड़ी। हलवा पूड़ी बना रहे हैं? अच्छा, और कितने साल से आप यहाँ काम कर रहे हैं? 8-9 साल। 8-9 साल आ रहे हैं, वाह माशाल्लाह। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो हमारे भाई जो है पूड़ी बना रहे हैं, पूड़ी तैयार कर रहे हैं बिल्कुल ताज़ा गर्मा गर्म बना रहे हैं बिल्कुल कढ़ाई में, देखें तेल में डाल के। और जो है बराबर में हमारे एक और भाई जो है वो पराठे बना रहे हैं, तो इनसे ही बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आसिफ। अच्छा आसिफ भाई, आप बता सकते हैं आप क्या बना रहे हैं? हम पराठे बना रहे हैं, सिर्फ पराठा, आलू चीज पराठा। सही। और जो है यहाँ पे और कौन कौन से पराठे होते हैं? पराठा होता है, अरबी पराठा होता है, बीफ पराठा होता है, पिज्जा पराठा होता है, सादा पराठा होता है, अंडा पराठा होता है। सही, हर पराठा मिलता है। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे जो हमारे आसिफ भाई जो है पराठे तैयार कर रहे हो, यहाँ पे फिलिंग वाले पराठे मौजूद होते हैं साथ साथ सादे वाले पराठे के साथ भी। चाहे तो आसिफ भाई आज आपको हमको कौन सा पराठा खिलाएंगे? आपको आज हम सिरसी पराठा खिलाएंगे। सही है, सिरसी पराठा हमारा स्पेशल पराठा है। तो यहाँ पे देखें पूरी और पराठे बन रहे हैं, अब आगे देखते हैं कुछ और यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मुनीर। अच्छा मुनीर भाई, आप जो यहाँ क्या बना रहे हैं? ये ब्रेन बन रहे हैं। अच्छा, तो ब्रेन बना रहे हैं आप यहाँ? सही, कढ़ाई में। और यहाँ पे क्या क्या मौजूद है इसके अलावा? इसके अलावा चिकन भी है, मटन भी है। चले सही सही। तो यहाँ देखिए हमारे जो है मुनीर भाई जो है यहाँ ब्रेन बना रहे हैं, ये जो है यहाँ ब्रेन पकाया जा रहे हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे ये हलवा मौजूद है, और जो है यहाँ पे बाकी छोले और आलू की तरकारी वगैरह ये सब जो है मौजूद है यहाँ अंदर की तरफ। तो अब जो है चल के बैठते हैं अपनी जगह पे और जो है नाश्ता करते हैं। तो अच्छा भाई अभी जो है यहाँ पे मैं इरादा किया, मैं जो हूँ यहाँ जर्सी पराठा जो है ट्राई करूँगा, उसमें जो है इन्होंने बताया मलाई बोटी क्रीम चीज़ वगैरह होती है, तो हम जो है वो ऑर्डर करेंगे। उसके अलावा जो है हम हलवा पूड़ी ऑर्डर करेंगे, और जो है फिर देखते हैं इनके बाद जो है फिर और क्या क्या और किस तरह का इनका टेस्ट है खाने का। अब देखें पहले जो है मतलब ईद के मौके पर तो वैसे थोड़ा वाला रश हल्का हुआ था, लोग जो है आराम वगैरह कर रहे थे या घूमने गए थे लोग। तो अब जैसे कि ईद गुजर गई है तो अब जो है यहाँ लोग नाश्ता करने जो है बहुत सारे लोग आ गए हैं, और यहाँ अच्छा खासा लोगों का गहमा गहमी लगी हुई है, रश अच्छा खासा लगा हुआ है। तो ये देखें यहाँ पर भी एक पराठा है, ये कौन सा पराठा है भाई? चिकन चीज़। अच्छा तो ये जो है चिकन चीज़ पराठा है, और यहाँ प्लेट में जो है ये आलू चीज़ पराठा तैयार हुआ भाई, और यहाँ ये पूड़ी बन रही है यहाँ पे गर्मा गर्म, ये जो है बारबेक्यू चीज़ पराठा यहाँ तैयार हो रहे हैं देखें। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ जो हमारे भाई जो है चरसी पराठा बना रहे हैं। तो सबसे पहले जो है आपने क्या डाला है यहाँ पे? अच्छा मलाई बोटी डाली है, और जो है यहाँ चीज़ भी डालना है। सही। तो ये देखें जो है चीज़ के स्लाइस डाले हैं, साथ ही साथ जो है मलाई बोटी डाली है। अब जो है पराठे को यहाँ बंद कर रहे हैं अच्छे से, लेकिन पूरे चारों तरफ से जो इसको कवर कर रहे हैं, पूरा गोल बना रहे हैं, और उसके बाद जो है फिर इसको देखते हैं। ये भाई ने थोड़ा सा यहाँ तेल लिया, सही यहाँ अच्छी तरह ये अब देखें अच्छे से दबा के फुल इसको पराठे की शेप में यहाँ कर रहे हैं, ये देखें। अच्छा भाई तो यहाँ देखें ये जो है चरसी पराठा यहाँ बन गया, तो अब जो इसको यहाँ फ्राई करने के लिए रख दिया, ये देखें। तो
पूरा भाई अच्छे से पक जाए यहाँ अंदर, इसमें मलाई बोटी डाली है साथ साथ जो है चीज़ भी है, तो जो है ट्राई करके देखेंगे भाई कैसे का कैसा टेस्ट है इसका। अच्छा यहाँ पे थोड़ा और तेल डाला गया अभी ताकि अच्छे से इसको पूरा पकाएं। शुरू में थोड़ा ऐसे ही उसको आराम से अभी तल लेते, उसके बाद जो है मैंने ज़्यादा तेल डाला ताकि उसको अच्छे से पका सके। तो यहाँ देखें ये पक रहे हैं यहाँ पे पराठा जो है अच्छे से। अच्छा देखें यहाँ पे देखें अच्छा खासा जो है यहाँ चर्ची पराठा तैयार हो गया भाई, बड़े मज़े का लग रहा है यहाँ पे। तो अभी पकते भी तो खा के देखते हैं फिर कैसा लगेगा, मज़े का लग रहा है। अभी से जो है मुँह में पानी आ रहा है भाई, ये देखें भाई क्या मज़ेदार तरीके से बना रहे हैं यहाँ पे वो हो गई। तो हमें जो हमारे देखें भाई जो है अच्छे से बना रहे हैं पूरा पराठा, ये देखें। अच्छा भाई यहाँ देखें ये जो है हमारा पराठा जो है तैयार हो गया, चरसी पराठा। अब जो है इसको यहाँ काट रहे हैं, इसको चार पीसेस में अभी कर दिया, देखें भाई क्या बात है। और ये देखें यहाँ रख रहे हैं लाइन से, साथ साथ जो है इसमें इन्होंने जो है रायता वगैरह भी दिया हुआ है, ये देखें भाई ये तैयार हो गया। इसके ऊपर देखें क्रीम भी डालना है भाई, क्या ही बात है भाई, मज़ेदार लगेगा अब तो और खाने में भाई। फुल क्रीम चीज़ वगैरह होगी और साथ साथ मलाई बोटी है इसके अंदर, तो मज़ा आ जाएगा खा के भाई। ओके ये रेडी हो गया देखें। अच्छा भाई यहाँ देखें ये जो है हमारे अपना पराठा वगैरह आ गया, चरसी पराठा, और साथ साथ जो मैंने हलवा पूड़ी भी जो है मंगवा ली थी। तो अभी जो है ये हलवा वगैरह और जो है आलू की तरकारी सब जो है उन्होंने ला के रख दी है, अभी पूरी जो है तैयार हो रही है। जब तक जो है मैंने कहा भाई ज़रा जो है अपना चरसी पराठा ट्राई करते हैं, ये देखें उन्होंने इसके ऊपर जो है क्रीम डाली है अच्छे से, ये देखें भाई क्या बात है। और गर्मा गर्म हो रहा है बिल्कुल अभी अभी, तो अब जो है ज़रा इसको जो है अपना डिप करके खा के देखते हैं कैसा है भाई। टेस्ट तो भी ज़्यादा इसका बिल्कुल ज़बरदस्त है, इसमें जो इन्होंने चीज़ डाली है ना तो बड़े मज़े का और क्रीमी टेस्ट आया है इसमें, और साथ साथ जो है इसमें जो इन्होंने बोटी डाली है तो बड़ी अच्छी लग रही है। इसका बिल्कुल कोई मलाई बोटी वाला टेस्ट है लेकिन बिल्कुल ऐसी क्रीमी मलाई बोटी ऐसा लग रहा है, और जो है बड़ा ही कोई मज़ेदार टेस्ट है इसका, खा के मज़ा आ गया बिल्कुल भाई। ये देखिए साथ साथ जो इन्होंने रायता दिया है तो उसको खा के जो बिल्कुल मज़ा आ गया। अब जो है भाई ये हलवा पूड़ी आती है तो उसको भी ज़रा ट्राई करके देखते हैं कैसी है भाई। अच्छा भाई अभी जो है यहाँ देखें पूड़ी भी आ गई है, तो अब जो है हलवा पूड़ी ज़रा ट्राई करके देखते हैं कैसी है इनकी। ये बिल्कुल गर्मा गर्म इन्होंने तैयार करके दिया हमको, तो अब जो है यहाँ ट्राई करते हैं। इनका पराठा तो बड़ा ही मज़े का था, अब जो है यहाँ हलवा पूड़ी ट्राई करते हैं भाई। इसमें लहर में नहीं ये इनका जो है हलवा पूड़ी बड़े मज़े का है ना, ये जो है पूड़ी भी है ना इनका बड़ी अच्छी लगी, इनकी सॉफ्ट सॉफ्ट है और जो है बड़ी वाला अच्छी से आराम से मेरे को खाई जा रही है। कुछ जगह की होती है ऐसी पापड़ी सी हो जाती है, इनकी वैसी नहीं है, इनकी बिल्कुल अभी ताज़ा ताज़ा भी आई तो ऐसी नरम हुई भी है। तो अब जो है मैं नाश्ता करता हूँ, उसके बाद आपसे मुलाकात करते हैं। अच्छा भाई अभी जो है मैंने यहाँ नाश्ता वगैरह कर लिया, मैं जो है हलवा पूड़ी खाया, उसके साथ साथ जो है पराठा खाया वो चरसी पराठा, तो बड़े बड़े मज़े का टेस्ट था उनका दोनों का। चरसी पराठा बड़ा अच्छा था, वो क्रीमी मुझे वैसी मुझे पसंद है, क्रीमी और चीज़ें तो जो है बड़ा अच्छा लगा मुझे जो है चरसी पराठा, और साथ साथ जो है हलवा पूड़ी का टेस्ट भी बड़ा इनका सही था। तो जो है अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर देगा, चैनल कर देगा सब्सक्राइब। ये जो है खैबर शिनवारी रेस्टोरेंट है, यहाँ पे जो है रात का खाना भी होता है, साथ साथ जो है नाश्ता भी होता है, और ये जो है बोर्ड बेसन में मौजूद है। तो जो है अगर आप आना चाहें यहाँ आ सकते हैं, इनका जो है नाश्ता ट्राई करें या रात का खाना ट्राई करें। और जो है फिर मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।